जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus Vivo के तीन नए प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। चलो Vivo X90 के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.78 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन वाला BOE Q9 OLED डिस्प्ले मिल जाएगा और ये नया डिस्प्ले टाइप है, मतलब नया डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले Vivo X90 सीरीज के फोन के साथ डेब्यू मारा है, खास कर Vivo X90 और Vivo X90 Pro के साथ। हमारी आंखों के लिए काफी अच्छा है ये, मतलब कि डिस्प्ले के कोई भी ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे आंखों में नहीं पड़ेंगे अगर आप बाकी ओलेड डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो। खैर, यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 2160 PWM DC डिमिंग भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा यार, 2160 हर्ट्ज का आपको डीसी डिमिंग देखने को मिलता है, वो भी PWM वाला है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, 452 का PPI भी यहाँ पर है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, 10 बिट के कलर्स है, DCI-P3 कलर गैमेट है और कर्व्ड पैनल है, बेजललेस डिस्प्ले है, थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। देखो यारो, हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन एकदम बवाल स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, अमेजिंग ऑसम स्पेक्टेकुलर स्पेसिफिकेशंस है। गेमिंग करोगे तो स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स मारेगा स्मार्टफोन और गेम के ग्राफिक्स काफी क्लियर रहेंगे। इनफैक्ट मूवीज भी देखोगे तो कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छा दिखाई देगा, काफी नेचुरल एक्सपीरियंस आपका रहेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हो। बाहर भी लेके जाओगे तो बहुत अच्छे ब्राइटनेस लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले काफी ब्राइट है तो धूप में भी सारा कंटेंट अच्छा दिखाई देगा, शार्प डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफी क्लियर है, ब्राइट है, कलरफुल है। बस यार, इतनी तारीफ करूंगा, डिस्प्ले बवाल है, हर तरफ से प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस दे देता है। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो 70,000 रुपए के स्मार्टफोन्स आपको कैमरास देते हैं वही कैमरास यहाँ पर भी मिल जाते हैं। Vivo X80 से यहाँ पर बहुत अच्छा अपग्रेड किया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, सोनी IMX866 के कैमरा सेंसर के साथ है, OIS का भी सपोर्ट है, बवाल कैमरा सेंसर है, सोनी IMX766 का सक्सेसर है, नया कैमरा सेंसर है भाई, अब इससे ज्यादा कितना तारीफ करूं मैं। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, ये जो 12 मेगापिक्सल के है ना, ये दोनों सोनी IMX663 कैमरा सेंसर के ऊपर है। सोच के देखो यार, तीनों सोनी के सेंसर है, कैमरा बवाल, इसीलिए कह रहा था मैं। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, यहाँ पर भी सोनी का सेंसर यूज किया गया है लेकिन बताया नहीं Vivo की कौन सा सेंसर है, मुझे अगर पता चलेगा तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगा। और Vivo X90 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स 32 मेगापिक्सल के सेल्फी के साथ है और वही सेम सेंसर लगा है सोनी का, अब वो कौन सा है मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी बात नहीं खत्म होता, यहाँ पर ज़ेइस का भी हाथ है तो आपको कैमरास में और भी इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा, एडवांटेज देखने को मिलेगा और अभी बात खत्म नहीं होता है। यहाँ पर आपको Vivo का V2 ISP चिप देखने को मिल जाएगा, नया चिप है जो सबसे पहले Vivo X90 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ ही डेब्यू किया है, ये आपके कैमरास के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा, बूस्ट अप करेगा, लेवल अप करेगा। आप वीडियोग्राफी कर लो चाहे फोटोग्राफी कर लो, ये जो ISP चिप है बहुत आपका हेल्प करेगा और Vivo के ISP चिप्स बहुत ज़्यादा बैटर होता है यार, यहाँ तक कि ओप्पो के मारे सिलिकॉन को भी बहुत कड़ी टक्कर देते हैं। रुको यारो, अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है, अभी कैमरा वाले सेक्शन में एक और चीज बताना है मेरे को, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप Vivo X90 Pro, Vivo X90 Pro Plus इन दो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स के बारे में जानना चाहते हो तो इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, आपको आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, चेकआउट करना, मिल जाएगा आपको वीडियो। देखो यारो, ये जो Vivo X90 सीरीज के तीनों फोन्स होंगे ना, तीनों के तीनों TOF 3D सेंसर के साथ होंगे जो ऑगमेंटेड रियलिटी में आपका हेल्प करेंगे और लेजर ऑटो फोकसिंग में भी हेल्प करेंगे, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं और ये तीनों फोन्स में प्रेजेंट है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहां पर आपको MediaTek का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9200। ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहां पर आपको Immortalis G715 का GPU देखने को मिल जाता है, 10 कोर GPU है। आप हाई ग्राफिक्स तो क्या, अल्ट्रा ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में जितना मल्टीटास्किंग करना चाहते हो करो, जो काम करोगे इजी तरीके से ये प्रोसेसर हैंडल करेगा और आपको एकदम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, खास के गेमर्स के लिए तो यार ये बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। 8 Gen 2 को कड़ी टक्कर ये दे रहा है, मतलब कि 8 Gen 2 20 नंबर पे है तो ये 19 नंबर पे है, उससे बेहतर नहीं है लेकिन उसी के आसपास का आपको परफॉर्मेंस दे देता है, मतलब कि बवाल प्रोसेसर है, ठीक है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर UFS 4.0 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड के पहले फोन्स बन जाते हैं Vivo X90 सीरीज के फोन्स जो आपको LPDDR5X RAM टाइप देते हैं और UFS 4.0 के स्टोरेज सपोर्ट के साथ आते हैं, मतलब कि आपको हर चीज का सक्सेसर देखने को मिल रहा है UFS 3.1 का।
का और LPDDR5 RAM टाइप के सक्सेसर्स के साथ ये आते हैं, लेकिन Vivo X90 केवल UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आता है। RAM वही पुराना वाला है LPDDR5 RAM टाइप। आपको मैं प्राइस और अवेलेबिलिटी वाले सेक्शन में समझाऊंगा, ध्यान से समझना, उस वाले सेक्शन को जाके देख लेना, समझ जाओगे आप। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको 4810 mAh का बैटरी मिल जाएगा, मतलब कि 5000 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाता है लगभग। 120 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। ओरिजिन OS ओशियन 3.0 पर रन करता है, मतलब कि नया एक्सपीरियंस रहेगा, नया एंड्रॉइड वर्जन और नया कस्टम UI मिल जाता है। जब इंडिया में आएगा तो फनटच OS पे रन करेगा, नया वाला जो फनटच OS है उस पे रन करेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा, NFC भी है, वाईफाई 6 भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है और IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा यहां पर। एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी देखने को मिल जाता है, तो नेचुरल वाइब्रेशंस रहेंगे, जब भी गेमिंग करोगे तो बहुत अच्छे वाले वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे और VC लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिल जाता है। सैडली अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है Vivo, हम लोगों को रूमर्स मिले थे कि इस बार हम लोगों को Vivo X90 सीरीज में अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, Vivo अपने फोल्डेबल फोन्स में ही अभी फिलहाल दे रहा है अलर्ट स्लाइडर, हम लोगों को नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो यह स्मार्टफोन आता है 8.48 mm की थिकनेस के साथ, 200 ग्राम्स इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन पतला होने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन भारी बहुत ज्यादा है। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो पुराने डिजाइन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है Vivo, लेकिन इस बारी चेंजेस और अपग्रेडमेंट्स किया है, जैसे कि ब्लैक स्पॉट जो होता है कैमरा होजिंग्स में Vivo के प्रीमियम फ्लैक्सी फोन्स में, उसको निकाल के फेंक दिया है, स्मार्टफोन्स के ही पूरे बैक कलर को यूज कर लिया है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा साफ साफ एनवायरमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है स्मार्टफोन के कैमरा आइलैंड के आसपास। और भाई देखोगे Zeiss का ब्रांडिंग भी बाहर है, फ्लैश लाइट भी बाहर है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, फैला हुआ पूरा हम लोगों को दिखाई देता है स्मार्टफोन का कैमरा हाउसिंग। और भाई वो जो पतला सा एल्युमिनियम फ्रेम गया है स्मार्टफोन के बैक से, जो स्मार्टफोन के फ्रेम से जुड़ता हुआ है, वो भाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स देता है और एक तरह से कह सकते हो स्मार्टफोन के बैक को भी वो कवर करके रखेगा, प्रोटेक्टेड करके रखेगा। और यही सेम आपको देखने को सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे गूगल के पिक्सल 7 सीरीज में भी, स्मार्टफोन के बैक से पूरा एकदम कैमरा हाउसिंग का बार जाता है, लेकिन यहां पर हम लोगों को नीचे एक पतला सा बार देखने को मिल जाता है, अच्छा लगता है देखने में। और स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे कलर्स में भी अवेलेबल है, जो क्लासिक लुक्स के साथ प्रीमियमनेस भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे को ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा, ठंडा भी है, क्लासिक्स भी है। और अगर आप एक चीज को गौर कर रहे होगे तो आपको ग्लास वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे तीनों ही Vivo X90 सीरीज के फोन्स के, और लेदर वर्जन भी देखने को मिलेंगे। और अगर आगे से आप देखोगे तो बेजललेस डिस्प्ले है, नॉर्मल सा पंचोल है, चिन्ह थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, कवचर बहुत ही अच्छा है, पुराने Vivo के फोन से कंपेयर करोगे तो ज्यादा है, अच्छा लगता है देखने में। बिल्ड वाइज बात कर ले तो बता ही चुका हूं, लेदर बैक के साथ है, एल्युमिनियम फ्रेम है और आगे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ग्लास वर्जन में देखोगे तो ग्लास बॉडी है, पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm जैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इसका फायदा यह है कि IP68 का रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में, तो Vivo X90 सीरीज के तीनों फोन्स आज चाइना में लॉन्च हो गए हैं। Vivo X90 का बेस वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 42,300 रुपए यानी कि 42,300 रुपीज। 8 to 56 है उसके बाद 45,700 रुपए यानी कि 45,700 रुपीज। ये जो दो रैम वेरियंट में बताया ना, ये UFS 3.1 के स्टोरेज सपोर्ट के साथ है और LPDDR5 RAM टाइप आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद आता है 12 to 56 51,400 रुपए 51,400 रुपीज। फिर 12 512 भी है 57,200 रुपए यानी कि 57,200 रुपीज। ये जो दो RAM वेरिएंट्स है UFS 4.0 के स्टोरेज टाइप के साथ है, लेकिन LPDDR5 RAM टाइप पे ही रहेंगे। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शंस ओपिनियंस है, कमेंट करके बताना। अब चलो यार बात करते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये जो Vivo X90 है कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका क्या प्राइस हो सकता है। देखो यारो, पहली बात आपको वेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूमर्स फरवरी नहीं तो मार्च के मंथ के आसपास तक Vivo X90 सीरीज के फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। Vivo X90 का इंडिया में प्राइस होगा 57,000 रुपए के आसपास, 55,000 या 57,000 रुपए के आसपास, मुझे तो अभी यही प्राइस पता चला है। अगर आप वेट करोगे ना यार, तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। IQ11 सीरीज के फोन दिखाई दे देंगे, Xiaomi 13 सीरीज के फोन दिखाई देंगे, तो आपके पास और भी ऑप्शंस रहेंगे जिनके तरफ आप जा सकते हो। नया साल आ रहा है, नए फ्लैक्सी फोन्स के चक्कर में पड़िए, आप डिजर्व करते हो नया फ्लैक्सी फोन, पुराने फोन्स के चक्कर में मत पड़िए। खैर, अगर मुझे कुछ इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी को लेकर नए इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूंगा। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को दबा दो। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyanKhan। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।